दोस्त अरमान टक, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी फिग्मा की क्लास नंबर 10 है। तो इस क्लास में हम एक वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो कि क्रीम वेबसाइट है, उसका हम डिज़ाइन वगैरह तैयार करेंगे। पूरी जो वेबसाइट है वो हम फिग्मा में उसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। इस तरह आपको समझ आ जाएगी कि ये डिज़ाइन किस तरह तैयार किया जाता है। उसमें हम बहुत से आइकन्स वगैरह, इमेज वगैरह, हर चीज़ इंक्लूड करेंगे, तो इस तरह फिर आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ये क्रीम की वेबसाइट ओपन कर ली है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि मैं इसकी जो तस्वीरें वगैरह है वो डाउनलोड कर लूँ, ताकि तस्वीरें तो उधर लगानी पड़ती हैं हर तरह की। जैसे कि ये क्रीम का लोगो है, ये भी एक इमेज है, ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, उसके बाद ये भी इमेज लगे हुए हैं, ये जो बॉक्सेस के अंदर हैं ये भी इमेज वगैरह लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो साथ में ये आप ये भी सीख लेंगे कि ये किस तरह जो एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है, लाइव जो चल रही होती है, उससे तस्वीरें वगैरह किस तरह डाउनलोड की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इसका लोगो वगैरह कर लूँ। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रा करके वो जो है डाउनलोड कर लेते हैं, और कुछ जो इमेज होती हैं वो नहीं होती। जैसे कि ये लोगो है, ये लोगो मैं यहाँ से उठा के इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि ये तस्वीर भी, जो चीज़ें उठा सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड नहीं उठाया जा रहा, उसके अलावा ये तस्वीरें उठाई जा रही हैं, कुछ तस्वीरें उठाई जा रही हैं, कुछ नहीं उठाई जा रही, और जो नहीं उठाई जा रही वो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो किस तरह डाउनलोड करते हैं। तो अभी मैं वो करता हूँ कि जो चीज़ें उठाई ड्रैग एंड ड्रा हो जाती हैं वो कहाँ पे डाउनलोड करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये यहाँ फोल्डर एक बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। ये मैं गया तो सबसे पहले मैंने इसको उठाया, ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ये भी दूसरी फाइल में आ रहा है। तो यह मैं इसको करता हूँ ओपन इन न्यू टैब, ये आ गई है तस्वीर, लेकिन ये वाइट कलर का और इसलिए ये नज़र नहीं आ रही हमें। तो मैं इधर से इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये SVG फाइल में है। तो ये SVG फाइल जो होती है, ये होती है कि इसका बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं होता, और जैसे आइकन्स वगैरह होते हैं ये वो वाली फाइल होती है, और ये एक आइकन है। मैं इसको बड़ा करता हूँ और ओपन भी करता हूँ। चलो इसको छोड़ के यहाँ पे जाते हैं, मैं ये इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, और यहाँ से ये जो मैं तीर है मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, और जहाँ पे मैंने लेके जाना है ये मैंने इस पे क्लिक किया। ये देखो ये इसका आ गया लिंक। अब मैं इस लिंक के पे क्लिक करता हूँ। अभी तो ये वाइट है, ये तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, ये तो हमने इसी तरह देख के कहीं ना कहीं पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा वो। चलो बाकी पिक्चर हम उठा लेते हैं, उसके अलावा ये वाली है, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये आ गई है। एप्पल ये भी आ गई, दोनों एक ही आ गई है, एप्पल वाली। नेक्स्ट इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये दो आ गई हैं। अब मैं ये जो एंड्रॉयड है इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी आ गई, ये तीनों आ गई। अभी मैं इनको यहाँ से करता हूँ सेव। तो डेस्कटॉप पे जाके ये मैंने फिग्मा का बनाया था, इसमें मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये नेक्स्ट है, इसको भी मैं यहाँ से सेव करता हूँ, उसी में जाके। उसके बाद ये तीसरा, इसको मैं यहाँ से जाके उधर ही अंदर सेव कर लेता हूँ। ये तीनों सेव हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमने उठाना है इसका बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड है, ये इसकी इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड की, इसको भी मैंने क्लिक किया, ये आ गया। अब मैंने यहाँ से इसको सेव करना है, तो ये भी उसी में, तो ये इमेज डाउनलोड हो रही हैं। उसके बाद पहले मैं देखता हूँ ये ड्रैग एंड ड्रा हो जाती हैं, हाँ हो जाती हैं। तो ये जो नीचे वाली हैं ना, ये
आठ तस्वीरें, इनको मैं यहाँ से उठा के बस उधर लेके जाता हूँ, ये भी सेव हो रही है। ये जितना मुश्किल आप समझ रहे हैं ये इतना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें ये जो आठ बॉक्स हैं, हम एक ही बॉक्स का डिज़ाइन तैयार करेंगे तो उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वो आठ डिज़ाइन में हो जाएगा। बस हमने उसकी तस्वीर वगैरह चेंज करनी है और नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वहीं चेंज करना है। तो एक बॉक्स में थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो बाकी वो ऑटोमेटिकली उसको कॉपी पेस्ट करके हो जाएंगे। यहाँ तक हमने कर लिया, आप जो नीचे तस्वीरें आ रही हैं तो उनको हमने करना है डाउनलोड। ये तीन तस्वीरें ये इस तरह नहीं उठाई जा रही, तो इसको मैं इंस्पेक्ट में जाऊंगा, यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करूंगा और ये आगे तस्वीर ये भी ओपन होगी, ये भी ओपन होगी, तीसरा नंबर ये भी ओपन होगी, तीन हो गई हैं। अब मैं इनको यहाँ से सेव करता हूँ, इसके अलावा ये तस्वीर है मैंने ओपन कर ली। इसके बाद ये वाली तस्वीर है, इसको भी मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल मैं सारी ओपन कर लेता हूँ और बाद में हम इसको सबको जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फिलहाल मैं ये ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये सारी तस्वीरें डाउनलोड हो रही हैं, ये सारी तस्वीरें डाउनलोड करने के बाद मैं इनको काट देता हूँ। अब ये हमारी तस्वीरें आ गई हैं तो दुबई की, जो क्रीम वेबसाइट है ये पूरी दुनिया में चल रही है। इस्लामाबाद का, उसके बाद ये हमारे बैकग्राउंड की तस्वीर है, ये हम इसे भी उठा लेते हैं यहाँ पे, ये आ गई है, ये मैप का निशान है। उसके बाद हमारी लास्ट एक तस्वीर रहती है बस, और आइकन्स वगैरह भी हम यहीं से उठा लेते हैं, ताकि अगर आप यहाँ से नहीं उठा रहे तो मैं आपको अभी वो प्लगइन बताऊंगा, वो आपने डाउनलोड कर लेना और सारे आइकन वहीं से मिल जाते हैं। तो ये हमारी लास्ट तस्वीर है तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये आ गया इसका। अभी ये मैंने डाउनलोड करनी है कंट्रोल से, ये भी हो गई, मैं इंटर कर रहा हूँ और वो सारी सेफ हो रही है। तो ये हमारी सारी तस्वीरें जो हैं क्रीम वेबसाइट की, सारी तस्वीरें जो है वो हमारी डाउनलोड हमारे पास हो गई हैं। तो जैसे जैसे इस वेबसाइट में हो रहा है वैसे वैसे हम बनाएंगे। अब मैं इधर थ्री आइकन्स पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाता है, वैसा ही हम उसमें ओपन करेंगे। उसके बाद ये लॉगिन्स वगैरह, ये फॉर्म्स वगैरह, ये भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। उसके अलावा
इनमें जो ब्लर है हर चीज़ इसी तरह की होगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आज के क्लास में हमने ये सीखा कि हम एक लाइव जो वेबसाइट लाइव सर्वर पे वेबसाइट चल रही होती है उसकी तस्वीरें हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमारी मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में हम जो है कुछ इसका जो फुटर वगैरह है हेडर, जैसे वेबसाइट में होता है हेडर बॉडी और फुटर, तो इसका हम जो है ना वो हेडर तैयार करेंगे थोड़ा सा, या बैकग्राउंड वगैरह इमेज लगाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।